तो हेलो दोस्तों, अभी सुबह के बज रहे हैं 5:30 और हर दिन की तरह, मतलब हर दिन आपको तो नहीं दिखाता लेकिन हर दिन मैं डब्बू को घुमाने लाता हूँ 5:30 बजे। तो यही टाइम होता है इसका, नहीं तो ये बहुत ज़्यादा रोने लगता है। तो आज मौसम भी देखिए, थोड़ा बहुत कोहरा लगा हुआ है और खाली एकदम सड़कें दिख रही हैं सुबह सुबह, क्योंकि इस टाइम पर ना गिने चुने लोग ही जाते, नहीं तो सुबह सुबह तो एकदम मौसम खाली, मौसम कोहरे वाला और सड़कें भी खाली रहती। और दूसरी चीज़ आप लोग देख रहे होंगे, मैं आजकल ब्लॉग कम डाल रहा हूँ तो मैं शॉर्ट वीडियो ज़्यादा डाल रहा हूँ, और आपको शॉर्ट वीडियो मेरी पसंद आ रही है कि नहीं आ रही कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो दोस्तों अभी सुबह के बज रहे हैं लगभग 7 बजने वाले और आज है राखी, तो राखी का जो शुभ मुहूर्त है ना वो सुबह के 7 बजे से और इसके बाद नहीं बांध सकते, मतलब कि 7 ही बजे तक है, तो इसलिए अब राखी बांधते हैं। और मौसम भी आज मतलब धूप कम ही दिख रही है क्योंकि चारों तरफ बादल दिख रहे हैं, और इसी बादल के बीच थोड़ा सा धूप दिख रही है कहीं कहीं। और हम घर के भी काम कर रहे हैं, और कल ताइजी लोगों की भैंस भी बिक गई थी, अब घर में सिर्फ हमारी 2 भैंस बची हैं। और इस साइड का मौसम ऐसा है, बच्चे मतलब घर में 2 ही भैंस हैं। मम्मी भी काफ़ी दिनों बाद ब्लॉग में आ रही है, हैप्पी रक्षाबंधन। ढंग से बोल, ये तो पढ़ने ये पढ़ेगा पूरा पढ़ेगा। तो आज मतलब सही में यार, आजकल ब्लॉग नहीं आ रहे मेरे, ज़्यादा शॉर्ट वीडियो आ रही है, और कोशिश कर रहा हूँ मैं लॉन्ग वीडियो की भी, लेकिन शॉर्ट वीडियो पे आज ज़्यादा प्यार दे रहे हो, तो मैंने सोचा कुछ दिनों तक शॉर्ट वीडियो बनाऊँ, और जब जिस दिन थोड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ रहेगी उसी दिन मैं लॉन्ग वीडियो बनाऊँगा, तो इसीलिए मैं लॉन्ग वीडियो कम बना रहा हूँ। और ये देखो मेरी बहना कहाँ गई होगी, इसकी राखी भी तैयार हो चुकी है। और आजकल ना मौसम इतना ख़राब हो गया कि जुखाम भी लग गया है, और मुझे भी लग रहा है जुखाम होने वाला, आवाज़ चेंज हो गई मेरी आज पता नहीं क्यों। तो चलिए अब राखी बंधवाते हैं, और ये मेरे हाथ में है राखियाँ, ये मुझे भेजी हैं मेरी बुआ ने भी, मेरी दीदी ने भी, और मेरी जितनी बुआ है सब ने भेजी है, जितनी भी दीदी है सब ने भेजी, किसी ने पोस्ट ऑफिस के थ्रू भेजी है, किसी ने किसी के थ्रू भेजी है, लेकिन भेजी सब ने, और हर साल ही भेजते हैं। तो आप सभी का भी दिल से धन्यवाद, और आपको भी हैप्पी हैप्पी रक्षाबंधन। तो चलिए अब घर में कोई नहीं है, सिर्फ अर्चना ही अर्चना है, बाकी दूसरी बहन है जो वो दूसरी जगह गई है, तो यही सबके बदले की राखी आज मुझे पहनाने वाली है, बड़ी दीदी के बदले की भी, जो मेरी और दीदियाँ उनके बदले की भी, सब यही पहनाने वाली है, तो आज मेरे हाथ एक ही बहन फुल भर देगी। तो ये मेरी राखियाँ हैं जो मतलब ये तो बुआ ने भिजवाई थी पंजाब से, बाकी कुछ दिल्ली से आई हैं दीदी ने भिजवाई हैं, कुछ मेरी बुआ जहाँ और जगह रहती है उन सब ने भेजी। तो चलिए आज अर्चना सारी राखी मुझ पे पहनाने वाली है। राखी बांध के मैंने कंप्लीट कर दिया हाथ, लास्ट राखी ये, और ये देखिए मेरा हाथ पूरा भर चुका है। अब तो पहनो मैं पर। अब एक राखी इस पे पहनाती है, और वहाँ हमारा डब्बू भी रो रहा है ऊपर, तो एक उस पे पहना देंगे, वो सोच रहा है हम कुछ खा रहे। तो दोस्तों अब नीचे चलते हैं, सॉरी दोस्तों ऊपर चलते हैं, और दादी भी वहाँ पे होगी, दादी को भी राखी पहनाते हैं, और हमारे डब्बू भी वहाँ पे इंतजार कर रहा है, तो डब्बू को भी राखी देंगे। और दूसरी बात, हमारे चेहरे ऐसे आ रहे हैं ना सुबह सुबह, सोच रहे होंगे जैसे अभी सो के उठे, तो वही हाल है, सही बताऊं तो सुबह उठ गए सीधे राखी पहनने तो ऐसा लग रहा है जैसे मुंह भी नहीं धुला, तो वो रियलिटी है, वो आपको एग्री करना होगा क्योंकि हमारे फेस ही ऐसे है इस टाइम पे, तो क्या कर सकते हैं। और क्रीम मैं लगा तो नहीं, अर्चना ने तो लगा रखी हो तभी गोरी भी लग रही। हाँ और मैं तो नहीं लगाई ना, मैं लगाता हूँ तो इसलिए जो रियल फेस है वही है। तो दोस्तों हमारे जो पंडित जी हैं ना, वो भी पूरे गांव में जहाँ जहाँ उनकी जजमानी होगी ना वहाँ वहाँ राखी देते हैं, तो वो हर साल देते हैं। और ये देखो डब्बू ऐसे रो रहा था कि मेरे पे कौन नहीं पहना रहा राखी, मेरे पे कोई नहीं पहना रहा, चल तेरे पे पहनाते ठीक है, तेरे हाथ पे पहनाएंगे, फिर तू
बंदर भगाएगा। ठीक है, तो अर्चना आ चुकी है अब इस पर राखी पहनाने के लिए। पहले ये हम हमारे डॉगी को भैरव देवता मानते हैं, भैरव का रूप होता है, और चलो भैरव देवता पे पिठाई भी लगा दी और अब इस पर राखी पहनाएगी और तभी रक्षा करेगा अर्चना की जब बंदर भगाने जाएगी। है हाथ पे हैंड आगे करो, वक नहीं यक यक। अरे यार सुलटा बिच्चा माहिम ज्यादा टाइट ना बांध बस। डब्बू अब तू रक्षा करेगा अर्चना की, ठीक है, जब बंदर आएंगे तो बंदर से बचाने तुझे। टाइट ना नस ना हो बंद। चल ठीक, उसको थोड़ा अटपटा लगेगा लेकिन कोई बात नहीं। चल अब गिफ्ट दे भाई। है पागल, लड्डू खिला रही मीठा, खा भाई तू खा ले, गिफ्ट तूने देना नहीं है, तू लड्डू ही खा ले। तो चलिए राखी भी पहन ली हमने और घर में हम 5-6 लोग हैं आज के दिन। ताई जी भी कहीं जा रखी है, दूसरी बहन भी जा रखी है, ताऊ जी, दादी, अर्चना, मम्मी और मैं, बस 5-6 लोग हैं। और राखी भी निपटा दी हमने और ये देखिए मेरा हाथ इतना भर चुका है। आज इस राखी के त्यौहार पे ना हमने राखी तो बांध ली है लेकिन ताऊ जी को नहीं दिखाया था मैंने, तो ताऊ जी भी आ चुके हैं और आज ताऊ जी आपको एक सुंदर सा गढ़वाली गीत सुनाएंगे, मतलब छोटी सी 2 लाइन। तो मुझे नहीं पता कौन सा गाना बताने वाले आज सुनाने वाले, तो चलिए सुनते हो कौन सा गाना। सुबह गाड़ी सुबह दिन बार। अच्छा हाँ चलो तो सुनते हैं, मैंने सुनाया अब आप भी सुनिए। सुबह घड़ी सुबह दिन बाड़ी चिराज रखड़ी को त्योहार चिराज हो देवी भगवती हे देवताओं कुशल रखा मेरा भैजी भूला देवी भगवती हे देवताओं अमरी रखा मेरा भैजी भूला। आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। तो जो ताऊ जी ने गाना सुनाया इसका मतलब यही था कि हमारे जो भाई बहन हैं वो सबको अमर रखे, खुश रखे और आप भी स्वस्थ रहें, मस्त रहें और हम भी अपना काम करते हैं और आपसे अब थोड़ी देर में मिलते हैं। तो चलिए नाश्ता पानी भी हमने कर लिया और अभी सुबह के बजे लगभग 9:30 और फिलहाल यहाँ पे मीनू खाना खा रही है और वहाँ पे डब्बू खाना खा रहा है, तो इन दोनों को मैंने अभी दिया। और इतना बड़ा है देखिए, उतना ही खुद नहीं है जितना बड़ा है पतीला। और धूप भी आ चुकी है और इस धूप में अब हम काम करेंगे अपने खेतों में, क्योंकि गोभी तो ख़त्म हो चुकी है और जब गोभी ख़त्म हो जाती है तो हमें मटर बोने पड़ते हैं अपने खेतों में। तो चलिए ले चलते हैं आपको अपने खेतों में, दिखाते हैं कहाँ पे आज हम मटर बोने वाले हैं। तो घर के पीछे का जो खेत है जहाँ की हमने सबसे पहले गोभी काटी थी, तो ये खेत अब खाली हो चुका है लगभग, इसी में आज मटर बोएंगे। तो देखिए थोड़ा बहुत गोभी बची है, बाकी जो सब्जियां हैं वो अभी हुई नहीं है, लेकिन जो गोभी थी वो ख़त्म हो चुकी है इस खेत में। तो थोड़ा थोड़ा इसको खोद देते हैं, ये पत्ता गोभी ऐसे रहने देंगे और बाकी जितना खाली एरिया है उसमें मटर बो देंगे। तो ज़्यादा बारिश हुई ना इस साल, इसकी वजह से खेत इतने भयंकर टाइट हो रखे हैं। ये देखिए हमारी पहली 2-3 शिमला मिर्च बड़ी मुश्किल से दिखी, नहीं तो सारी सड़ गई हैं ज़्यादा बारिश की वजह से। खेत भी खोदने में बहुत ज़्यादा आफत आ रही है और ये जो पत्ता गोभी बची हुई है ना ये भी सही से नहीं हुई टाइट, तो इसलिए इनको छोड़ दिया हमने और बीच बीच जितना खाली हो सका है उतना खाली कर दिया। साइड साइड ये ककड़ी की बेल जा रही है जितनी भी आप देख रहे हो, और साथ में मम्मी यहाँ पे घास निकाल ली और हमारी ककड़ी भी लगी है यहाँ पे 2-4। तो इस खेत में ककड़ी खाने का जो मज़ा है वो अलग है, यहाँ पे देखा था मैंने अभी कल, ये रही तो एक ककड़ी है छोटी सी, ये देखिए बाकी भी लगी हैं लेकिन छोटी छोटी। चलिए वैसे तो इसको धोने की ज़रूरत नहीं है, एकदम साफ है, मतलब खेतों में एकदम ऑर्गेनिक चीज़ें हैं, बारिश हो रही है, सब कुछ हो रहा है, इसको हम नॉर्मली ऐसे भी खा सकते हैं, इतनी भयंकर सॉफ्ट हो रही है ना। तू खा
और एकदम मीठी मीठी हो रही, क्योंकि पहाड़ी जो ककड़ी होती है ना उसका टेस्ट ही मायने रखता है, और शहरों की ककड़ियों में उतना टेस्ट नहीं होता जितना कि पहाड़ी ककड़ियों में होता है। बढ़िया हो रही। तो दोस्तों, खेत खोदते खोदते थकान लग गई थी। अभी तो हमने आधा खेत ही खोदा और आधा छोड़ दिया क्योंकि धूप बहुत तेज़ है। अब थोड़ी देर आराम करेंगे और जो बचा हुआ है वो शाम को खोदेंगे। तो फिलहाल मैं बना के लाया था, दादी ने दिया था सातू। सातू आपने सुना होगा, जो चने का पाउडर होता है, तो वही चने का पाउडर से हमने सातू बनाया और इसको पानी के साथ पी रहे। ये ठंडा होता है सेहत के लिए। तो भैया लोग लाए थे दिल्ली से और मैंने दादी को दे दिया, अपने और मम्मी के लिए लाया। तो मम्मी यहाँ पे फिलहाल मटर के साथ साथ राई भी बो रही है। तो चले पीते अब सातू। इसको पीने के बाद ना पूरी बॉडी इतनी ठंडी हो जाती है ना, और होता है बहुत टेस्टी है। जब हम छोटे छोटे थे ना, हमें स्कूल में मिलता था ये सातू, तो उतनी अहमियत हम पता नहीं थी, तो हम ऐसे ही खाते थे इसको, आटे की तरह होता है ये। तो उस टाइम तो हम ऐसे खाते, लेकिन अब जाके मिलता है ना, जब इतना महंगा हो गया है, पहले तो यहाँ कहीं मिलता ही नहीं और ऑनलाइन मिलता है तो बहुत ज़्यादा महंगा रहता है। तो आज याद आ गए अपने बचपन के दिन। दिन के बाद अब जाके मैं ब्लॉग बना रहा हूँ। ये इसको क्या प्यार आ रहा है। हाँ, कहाँ जाना, इसका घूमने का मन होगा पक्का। ये देखना, नहीं जा रहा मैं, नहीं जा रहा, नहीं जा रहा। अरे 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 तो चलिए इसको ले जाएंगे थोड़ी देर में घुमाने के लिए। और मैं आया था फिर से खेत में, जैसे मैंने सुबह बताया था ना, और मैं दिन में सो गया था, इतनी मस्त नींद आई आज तो, अब जाके खुली। और अभी जो टाइम हो रहा है ना, लगभग 5:30 हो रहे हैं, मौसम भी ऐसा हो गया जैसे बारिश होने वाली, धूप भी गायब हो गई और कोहरा ही कोहरा लग गया। तो फिर से आ गया मैं खेत खोदने। दिन में मैंने आधा खोद दिया था ये, और मम्मी भी घास के लिए चली गई, तो अकेले खोदूंगा इसको फिलहाल मैं। ये देखिए जो जो गोभियाँ छोड़ दी हमने, बाकी एरिया पर खोद दिया। इसमें मटर, तीन मटर को बोते हैं, और चल इतना बचा है। देखिए सुबह ने इतना खोदा, अभी इतना बचा है, इसको कंप्लीट करता हूँ पहले, नहीं तो आज की ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं, क्योंकि मुझे पता है मुझे इसको खोदते खोदते टाइम लग जाना है। और आज के दिन में फिलहाल इतना ही कर पाया, सुबह रक्षाबंधन मनाया, बाकी सब हो गया। तो चलिए आज की इस वीडियो को एंड करते हैं। और अगर आपको आज की वीडियो पता तो अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, अंकुश डबराल ब्लॉग को। और आपसे मिलते हैं नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।